गुड इवनिंग। हम लोग इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेम्बरान और लाइव मेम्बरान और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के लाइव मेम्बरान, एसोसिएट मेम्बरान, हम सब लोग यहाँ हाजिर हुए हैं जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें सॉलिडारिटी के लिए, इसमें शामिल होने के लिए हम सब लोग इसमें कंसर्न हैं और हमेशा हमेशा दुआगो भी हैं और जो कोशिश कर सकते हैं डिफरेंट फोरम्स पर वो भी करने की कोशिश की जा रही है। जो कुछ जामिया मिलिया इस्लामिया में या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या JNU में या मुल्क के दीगर तालीमी इदारों में जहाँ जहाँ कोई इंसिडेंट हुए, कर्नाटक में इंसिडेंट हुए, काफ़ी लोगों की जानें भी गईं, बहुत से लोग जख्मी हुए और स्टूडेंट्स की पढ़ाई में डिसकंटिन्यूएशन हुआ। इस सब की मजम्मत करते हैं और दुआ करते हैं कि जो लोग जख्मी हैं और जिन लोगों का किसी भी तरह से डिस्ट्रप्शन हुआ है वो उन अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाएँ और हम सब लोग उनके साथ हैं और हमेशा हमेशा ये कोशिश इंशाल्लाह करेंगे कि ये जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये पीसफुल रहें और लोगों की जो डिमांड है और जो मांग है वो सरकार तक पहुंचे और इंशाल्लाह गवर्नमेंट उस पर ज़रूर कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होगा और लोग अपनी पीसफुल प्रोटेस्ट को ज़रूर कामयाब होगा भारत का। और उसमें हर सिटीज़न को, और ना सिर्फ सिटीज़न को, मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत का संविधान भारत में रहने वाले हर आदमी को अधिकार देता है। इस आर्टिकल 14 की बात की जाती है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो आर्टिकल ना सिर्फ सिटीज़न बल्कि नॉन सिटीजन को भी उसी तरह का फंडामेंटल राइट देता है इक्वालिटी बिफोर लॉ का, जो कि शहरी को, जो सिटीज़न को है। आर्टिकल 14 दो स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिस आर्टिकल इज एप्लीकेबल ऑन एवरीबडी लिविंग इन इंडिया वेदर सिटीजन और नॉन सिटीजन। उसके अलावा सिटीजन के लिए आर्टिकल 15 है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एनी पर्सन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और लैंग्वेज। उसके अलावा आर्टिकल 21 है, नोबडी शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इतने सारे आर्टिकल्स हैं और प्रीएम्बल है, ये सब लोग आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि प्रीएम्बल जो सबसे पहला फाउंडेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें सारे राइट्स हैं, तो मैं प्रीएम्बल पढ़ूंगा, अगर आप उसके साथ दोहराएं तो बहुत मेहरबानी होगी। तो हमारे जो जितने सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है या किसी भी और रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है, उसके राइट्स प्रीएम्बल में मौजूद हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन हियर बाय अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस 26th डे of November 1949. Thank you very much. Bahut bahut shukriya.